अग्नि और इसका ताप एक समान रहता है, फिर चाहे वो विवाह की वेदी पर हो या यहां इस शमशान में, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे हृदय में भी ये अग्नि ही उल्लास भरती है और विरह में भी यही अग्नि हमें दुख भी देती है। प्रेम में भी अग्नि होती है और क्रोध में भी। सूर्यास्त होने को है या कोई वीर शेष नहीं बचा है इस स्वयंवर में, स्वयं को बलशाली और वीर कहने वाले क्या कोई नहीं है जो इस साधारण से त्रिशूल को उखाड़े और मेरी पुत्री का हाथ थाम ले। आए थे सभी मस्तक ताने, मुकुट पहने, सर ऊंचा किए और अब बैठे हैं मुंह लटकाए। कोई नहीं है जो इस त्रिशूल को उखाड़ कर मेरी पुत्री का हाथ थाम सके। है, परंतु वो अभी तक इस सभा में पधारे नहीं। शिव 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 ही नहीं समझे नादान, वो निमंत्रण देने पर भी नहीं आया है, अर्थात उसे तुम में या तुम्हारे स्वयंवर में कोई रुचि नहीं है। तुम उसे नहीं जानते सती, शिव बहुत अहंकारी है, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता, तुम्हें भी नहीं। दक्ष, इस ब्रह्मांड में एक से एक वीर हैं, परंतु इस त्रिशूल को शिव के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। यदि इस त्रिशूल को कोई और नहीं उठा सकता तो ऐसा संसार रचा ही क्यों आपने? ऐसे संसार को रचने का क्या लाभ, इसमें मैं अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर भी नहीं ढूंढ सकता। दक्ष, आवेश में आकर कोई अनर्थ मत कर देना। आवेशित नहीं, आहत हूं। आज यदि मेरी पुत्री को एक योग्य वर नहीं मिला तो वो एक पिता का, दक्ष प्रजापति का और स्वयंवर की इस परंपरा का अपमान होगा। अरे है कोई इस ब्रह्मांड में जो एक पिता के होते अपमान को रोक सके, जो एक योग्य स्वयंवरा को रिक्त हाथों लौटने से रोक सके, उसकी लज्जा बचा सके, एक पिता को लज्जित होने से रोक सके? कोई है इस स्वयंवर में जो एक पिता और उसकी स्वयंवरा पुत्री के सम्मान की रक्षा कर सके? है कोई इस ब्रह्मांड में, 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 है कोई इस ब्रह्मांड में? यदि इस संसार में मेरे और मेरी पुत्री के सम्मान की रक्षा करने वाला कोई नहीं तो ये संसार किस काम का? मैं संसार को ही नष्ट कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं।
गए तुम अपना उद्देश्य पूर्ण करने और पुनः मेरा अपमान करने। निमंत्रण में आमंत्रण ना हो, उद्देश्य ना हो तो मैं नहीं आता दक्ष। परंतु अब आमंत्रण भी तुम्हीं ने दिया है और उद्देश्य भी सामने है। तुम्हें ने पुकारा, कोई आओ और मेरे सम्मान की रक्षा करो। एक पिता के सम्मान की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य है, इसी कारण मैं आया। प्रजापति हो दक्ष, अपना मंतव्य पूर्ण ना होने का दोष इस संसार पर डालना ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि ये संसार हीरो और बलियों से रिक्त हो गया है। बस नियति तुम्हें तुम्हारा हट पूरा नहीं करने देना चाहती। अपने झूठे सम्मान के लिए अपनों के सच्चे प्रेम को नाकार देना ये उचित नहीं। एक पिता को अधिकार है कि अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे, परंतु वो पिता नहीं प्रजापति दक्ष जो अपनी ही पुत्री के मन की पुकार को सुन ना सके। एक पिता अपनी पुत्री को निरपेक्ष प्रेम करता है और एक पुत्री अपने पिता को असीम प्रेम। एक पुत्री का आदर्श उसका पिता होता है और तुम पिता होकर भी क्या आदर्श रख रहे हो प्रजापति दक्ष? तुम्हारी मेरे प्रति घृणा ना ही अपने पुत्री का सच्चा प्रेम देख पा रही है और ना ही उसके विश्वास पर विश्वास कर पा रही है। दक्ष, जब तक मेरे ना आने से तुम्हारा सम्मान बचा हुआ था तब तक मैं नहीं आया, परंतु अब यदि मैं ना आता तो तुम्हारा मान भंग होता। सती की पुकार निष्फल हो जाती
इस संपूर्ण संसार का प्रेम से विश्वास उठ जाता है, तब मैं आया एक पिता के सम्मान की रक्षा के लिए, इस स्वयंवर की गरिमा को बचाने के लिए। प्रेम की पुकार का उत्तर देने के लिए। मैं इसे अपना जमाता नहीं मानता। क्षमा कीजिए पिताश्री, पर स्वयंवर के नियमों के अनुसार शिव ही विजेता है। अब तो समझ जाइए पिताश्री, शिव आपको नीचा दिखलाने नहीं, परंतु समाज के सामने आपका मस्तक चुकराने से बचाने आए हैं। आप इन्हें जमाई माने या ना माने, नियति ने इन्हें मेरा वर सिद्ध कर दिया है। फिर भी अगर आप आदेश देंगे तो मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी, परंतु अब मैं शिव के अतिरिक्त किसी भी और को अपना वर स्वीकार नहीं करूंगी। चयन आपका है, क्या तो शिव मेरे वर होंगे या मैं सदैव कुंवारी रहूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस करो दक्ष। एक पिता स्वयंवर करता है ताकि वो अपनी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढ सके, और तुम इन नियमों का उल्लंघन करके पिता के पद का अपमान कर रहे हो। ध्यान रहे,
स्वयंवरा किसको वर चुन ले, उस निर्णय को बदलने का अधिकार किसी का भी नहीं, एक पिता का भी नहीं और एक प्रजापति का भी नहीं। मैं यहां हूं, नारायण यहां उपस्थित है, हमारे यहां होते नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। आप प्रजापति हैं, संसार को नियम में रखना तुम्हारा दायित्व है। तुम स्वयं नियम नहीं तोड़ सकते। महादेव इस आयोजन के विजेता हैं और हम सब इस बात के साक्षी भी हैं। अब तुम्हें महादेव को अपना जामाता स्वीकार करना ही होगा। हैं जो हर जीव के लिए महत्वपूर्ण है। एक जीव के लिए संसार का प्रारंभ जन्म है और अंत मृत्यु। संसार कैसा था हम यह जन्म लेने से पहले नहीं जानते थे, परंतु यह संसार हमें कैसे स्मरण करेगा यह हमारे कर्म पर निश्चित है। जन्म और मरण की चिंता छोड़ दो, जो हाथ में है उसका चिंतन करो, अच्छा मार्ग अपनाओ, अच्छे कर्म करो।